बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं अमाद मजीद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अमाद मजीद। पीटीआई के लिए अफसोसनाक खबर सामने आ गई, अचानक तबीयत खराब, मामला काफी ज्यादा तश्वीशनाक हो चुका है। खबर की तफसीत करने से पहले आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा एक तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नए आने वाले से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जो आने वाली न्यूज अपडेट्स हैं आप उनको जान सकें। देखिए, पीटीआई के लिए जब भी कोई खबर सामने आती है और खुसूसन जब ऐसी खबर सामने आती है कि अचानक तबीयत खराब हो चुकी है, तो पीटीआई के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इमरान साहब जेल में हैं और दूसरी जानब बुशरा बीबी साहबा जो हैं वो पेशावर में हैं। आज पेशावर से बड़ी खबर सामने आई है। इस खबर की तफसीलात कुछ यूं है कि बुशरा बीबी साहबा की अचानक तबीयत काफी खराब हो चुकी है, लेकिन तबीयत खराब क्यों हुई है वो मुकम्मल डिटेल जानने के लिए इस वीडियो के साथ अभी जुड़े रहेगा। बुशरा बीबी साहबा ने एक दरख्वास्त आदरी से इस तरह की दरख्वास्त उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में जमा करवाई है कि मेरी तबीयत नासाज है, इस वजह से मैं अदालत में पेश नहीं हो सकती। जब ये खबर फैलाई गई, जब ये खबर पहुंचाई गई मीडिया तक, तो मीडिया ने जब ये खबर दी तो पीटीआई वाले लोग काफी ज्यादा परेशान है कि आखिर बुशरा बीबी साहबा को क्या हुआ है। तो मैंने छानबीन की है, तो छानबीन करने के बाद जो जराए से खबर मिली है वो खबर ये है कि आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बुशरा बीबी साहबा को दांत में तकलीफ है और दांत में तकलीफ की वजह से वो अदालत में नहीं आ सकती, उन्होंने दांत चेक करवाने के लिए जाना है। तो उन्होंने इस वजह से अदालत में उन्होंने हाजिरी से इस तरह की दरख्वास्त जमा करवाई है। परेशान होने वाली बात नहीं है, इमरान खान साहब भी ठीक है, बुशरा बीबी साहबा भी ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।